और इसी के साथ आइए आज की अहम 25 खबरों पर सिलसिलेवार तरीके से नजर डाल लेते हैं। एयर इंडिया के प्लेन में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी करने वाले शंकर मिश्रा को 14 दिन की जेल, कल बेंगलुरु में किया गया था गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ संकट का मामला, शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीएम धामी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, कार्यक्रम में बदलाव की वजह से मारवाड़ी ना पहुंचने पर लोग हुए नाराज। जोशीमठ का सीएम पुष्कर धामी ने किया हवाई सर्वेक्षण, घरों में आई दरारों का लिया जायजा, पीड़ितों से मुलाकात करके सुरक्षा का दिया भरोसा। सीएम धामी बोले, पानी के रिसाव की वजह से पड़ी दरारें, सबकी सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जोशीमठ में 6 जनवरी तक 603 घरों में आ चुकी है दरारें, कभी भी गिर सकती है 100 से ज्यादा घर, 50 से ज्यादा परिवारों को फिलहाल सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। चंडीगढ़ में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पद से हटाने की मांग, महिला कोच ने मंत्री पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पंजावला कांड में मृतक अंजलि की दोस्त निधि पर बड़ा खुलासा, 6 दिसंबर 2020 को आगरा में ड्रग्स केस में हुई थी गिरफ्तार, साथ में दो और लड़के भी पकड़े गए थे। और निधि के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि 16 लाख रुपए कैश देकर खरीदा था उसने मकान। अंजलि से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, 6 महीने पहले भी अंजलि का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, रोड साइड मलबे से टकराकर पलटी थी स्कूटी। पंजावाला कांड में नया खुलासा, पुलिस पूछताछ में पता चला आरोपियों को लड़की के कार में फंसे होने की जानकारी थी। बिहार में आज से शुरू हुई जातिगत जनगणना, 2 चरणों में होगा सर्वे, पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। मेयर चुनाव में हंगामे को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कहा सदन में आम आदमी पार्टी का व्यवहार शर्मनाक। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का दिल्ली के उपराज्यपाल आवास के बाहर प्रदर्शन, संविधान का पालन ना करने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में चलती ट्रेन में यात्री को पीटने वाले 2 टीटी हुए सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। लखनऊ में जिम में वर्कआउट के दौरान 41 साल के डॉक्टर की मौत, मौत की वजह अभी साफ नहीं है। मेरठ पुलिस ने पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे को गिरफ्तार किया, काफी दिनों से थी तलाश। एमपी के सीहोर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक दूसरे पर हुई जमकर पत्थरबाजी, आतिशबाजी को लेकर हुआ विवाद। अलीगढ़ में घर में घुसे तेंदुए को गांव वालों ने कमरे में बंद किया, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को निकाला। यूपी के हरदोई में कार सवार ने कोचिंग से लौट रहे छात्र को मारी टक्कर, कार में फंसा छात्र का पैर, 1 किलोमीटर तक घसीटता रहा छात्र, अस्पताल में भर्ती। एमपी के छतरपुर में भीषण शीतलहर, पारा 0.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली में आज सबसे ठंडा दिन, न्यूनतम तापमान पहुंचा 1.5 डिग्री सेल्सियस, सर्द हवाओं से बड़ी ठिठुरन, रेल सड़क विमान यातायात पर असर। पंजाब में तेज ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार का फैसला, 7वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां, 14 जनवरी तक पढ़ाई। मेक्सिको में ड्रग्स माफिया चापो के बेटे की गिरफ्तारी के बाद जारी हिंसा में अब तक 29 लोगों की मौत हुई, विमान पर गोलियों की बौछार से थर्रा उठा एयरपोर्ट। मेक्सिको में ड्रग माफिया का तांडव, पूरे स्टेट को किया हाईजैक, ड्रग कार्टेल ने मेक्सिको को दंगों की आग में झोंका।